आज मैं आपको द्वारका की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी 10 धर्मशाला के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ रूम तो आपको 90 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से भी मिल जाएंगी। ये सब रूम कम बजट वाले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इन सब के पते, फोन नंबर और साथ में गूगल मैप की लोकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। उस लिंक को अवश्य देखें, वहां मैंने एरिया के अनुसार पते और फोन नंबर दिए हैं। याद रहे, पिक सीजन अर्थात त्योहार जैसे जन्माष्टमी में द्वारका के सभी धर्मशालाओं में रूम आसानी से नहीं मिलते, इसीलिए इनके रेट ऊपर नीचे हो सकते हैं। और द्वारकाधीश की नगरी में मात्र 20 रुपए में भोजन कहाँ मिलता है, ये जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। तो पहले नंबर पर है श्री द्वारकाधीश अतिथि गृह। ये धर्मशाला द्वारकाधीश मंदिर से 500 मीटर दूर गोमती रोड पर सब्जी मंडी के पीछे है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 2 से 3 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 180 रुपए प्रति रूम, 4 से 5 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 360 रुपए प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है। 50 लोगों के लिए कॉमन हॉल 1200 रुपए प्रति हॉल। दूसरे नंबर पर है स्वामी नारायण मंदिर गेस्ट हाउस। ये धर्मशाला भी द्वारकाधीश मंदिर से 500 मीटर दूर गोमती रोड पर सब्जी मंडी के पास है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 2 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 300 रुपए प्रति रूम, 3 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 500 रुपए प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है। तीसरे नंबर पर है जय रणछोड़ गुजराती धर्मशाला। ये धर्मशाला भी द्वारकाधीश मंदिर से 500 मीटर दूर गोमती सागर संगम के पास है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 2 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 350 रुपए प्रति रूम, 50 लोगों के लिए कॉमन हॉल 2000 रुपए प्रति हॉल। चौथे नंबर पर है कच्ची गुर्जर समाज करिया धर्मशाला। ये धर्मशाला भी द्वारकाधीश मंदिर से 300 मीटर दूर गोमती सागर संगम के पास गोमती घाट पर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 3 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 400 रुपए प्रति रूम, 5 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 600 रुपए प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है। 50 लोगों के लिए कॉमन हॉल 2000 रुपए प्रति हॉल। पांचवे नंबर पर है महाराजा अग्रसेन भवन धर्मशाला। ये धर्मशाला भी द्वारकाधीश मंदिर से 500 मीटर दूर सिद्धनाथ रोड पर सब्जी मंडी के पास है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 2 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 400 रुपए प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है। छठे नंबर पर है श्री विश्वकर्मा धर्मशाला। ये धर्मशाला भी द्वारकाधीश मंदिर से 400 मीटर दूर 3 बत्ती चौक में है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 2 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 300 रुपए प्रति रूम, 5 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 500 रुपए प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है। 20 लोगों के लिए कॉमन हॉल 1000 रुपए प्रति हॉल। सातवें नंबर पर है श्री चरण धर्मशाला। ये धर्मशाला द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास घनश्याम नगर में है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 4 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 500 रुपए प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है। 50 लोगों के लिए कॉमन हॉल 3000 रुपए प्रति हॉल। आठवें नंबर पर है श्री विशोलिया अतिथि भवन धर्मशाला। ये धर्मशाला द्वारकाधीश मंदिर से 700 मीटर दूर सेंट्रल बैंक के सामने पोस्ट ऑफिस रोड पर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 3 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 500 रुपए प्रति रूम, 7 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 700 रुपए प्रति रूम। इसमें टॉयलेट और बाथरूम कॉमन रहेगा। 20 लोगों के लिए कॉमन हॉल 1500 रुपए प्रति हॉल, 40 लोगों के लिए कॉमन हॉल 3000 रुपए प्रति हॉल। 9वें नंबर पर है श्यामवाड़ी धर्मशाला।
ये धर्मशाला द्वारकाधीश मंदिर से 700 मीटर दूर मेन रोड पर है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 4 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 450 रुपए प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है। 10वें नंबर पर है श्री वारिया वैष्णव प्रजापति अतिथि भवन। ये धर्मशाला द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन के पास घनश्याम नगर में है। इस धर्मशाला में प्रतिदिन का किराया कुछ इस प्रकार है। 2 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 500 रुपए प्रति रूम। 5 लोगों के लिए नॉन एसी रूम 700 रुपए प्रति रूम। इन रूमों के साथ आपको टॉयलेट और बाथरूम साथ में अटैच मिल जाता है। 50 लोगों के लिए कॉमन हॉल 4000 रुपए प्रति हॉल। द्वारका में भोजन की बात करें तो मात्र 20 रुपए में स्वादिष्ट और भरपेट भोजन यहां के गुगली ब्राह्मणों द्वारा दिया जाता है, जो द्वारकाधीश जी का प्रसाद भी है। यह स्थान मंदिर के पिछले भाग में 56 सीढ़ी द्वार से नीचे आते समय पड़ता है। यहां 10 रुपए के स्वादिष्ट भोजन में यात्रियों को चावल, दाल, रोटी, सब्जी, आचार और एक मिठाई दी जाती है। तो ये थी श्री द्वारकाधीश धाम की कुछ सस्ती तो कुछ अच्छी धर्मशालाएं। आपको इसमें से कौन सी सबसे अच्छी लगी, कमेंट में बताएं। सोमनाथ के सस्ती धर्मशालाओं की भी वीडियो मैंने बनाई है, वो देखने के लिए आई बटन पर जाएं अथवा डिस्क्रिप्शन देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।